हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द आइस। तो अगर हम H2O की लिक्विड फॉर्म को कंसिडर करते हैं तो वहां पे क्या है कि हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स है दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो वहां पे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या करती है, दो बॉन्ड्स बनाती है विद द हाइड्रोजन एटम, और साथ में इसके दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो फर्दर आपकी ये जो वाटर है वो आगे हाइड्रोजन बॉन्डेड भी होता है। सो वाटर जो है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, द एसोसिएटेड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा कि लिक्विड वाटर जो है इट कंसिस्ट ऑफ द एग्रीगेट्स ऑफ वेरिंग नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर हेल्ड टूगेदर बाय द इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इस तरीके से हमारा वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नाउ कंसिडरिंग द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, तो आइस जो है उसका एक हाईली ऑर्डर्ड 3D स्ट्रक्चर होता है, और आइस हमारी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है वाटर की। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आइस। तो ये आपके यहाँ पे जो पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं, दीज आर द हाइड्रोजन्स, दिस इज वाटर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। This is the three-dimensional structure of ice. Now, when the ice crystals were examined using the X-rays, तो पता चला कि जो oxygen atom है, it is surrounded tetrahedrally by the four other oxygen atom at a distance of the 276 picometer. तो इसको हम कहेंगे hexagonal form. तो इस form की वजह से क्या होगा यहाँ पे, कि एक open type का structure जो है with wide holes it will be present here, and ye jo holes hai it can also hold some of the other molecules of the appropriate site interstitially. To yahan pe is arrangement ki wajah se yahan pe kya hota hai ki ek open type ka structure form ho jata hai jiske andar holes present hote hain. Ab is hole ke andar aur molecules jo ki iske andar fit aa jaye wo yahan pe present hote hain. To ye hamara yahan pe water ka jo structure hai wo इस तरीके से फॉर्म होता है। तो आइस में इस स्पेस की वजह से, इस वेकेंट स्पेस की वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो लोअर होती है देन दैट ऑफ द वाटर, लोअर देन दैट ऑफ वाटर। तो इसलिए जब आपकी अब आइस जो है वो मेल्ट करेगी तब क्या होगा वहां पे कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है आपके दे विल ब्रेक, और केज लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, इट विल कोलैप्स, वो तो खत्म ही हो गया बिल्कुल। तो इसलिए क्या होगा कि जो ये वैकेंट स्पेस है ये चला जाएगा एंड दिस विल बी ऑक्यूपाइड बाय सम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। सो अब क्या होगा कि जो सेम मास है वाटर का, फॉर द सेम मास ऑफ वाटर वॉल्यूम क्या करेगा, इट विल डिक्रीज। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि जो डेंसिटी है वो फिर इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए डेंसिटी जो है लिक्विड वाटर की वो 273 केल्विन पे इट इज हायर देन दैट ऑफ आइस, एंड दैट्स व्हाई आइस जो है आपकी वो फ्लोट करती है ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड वाटर। तो इस तरीके से ये आपकी आइस की स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन थी। थैंक यू।